हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं गणित के लिए, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन हिंदी में बोले तो गुणनफल। गुणनफल कैसे करते हैं, फास्ट कैसे करें, बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आता है, गुणनफल कैसे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणनफल को कैसे करते हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन आ गया 28 × 42। अब आप यूनिट डिजिट से करते हैं, मान लिया 4 × 8 × 16 का सही यूनिट डिजिट 6 आएगा तो आंसर ठीक है। क्या पता कभी कभी यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट तक आपको आंसर निकालना पड़े, तो आप फास्ट और इजी मेथड से कैसे करें, यूनिट डिजिट में फंसने से अच्छा पूरा सॉल्व करें। यूनिट डिजिट मेथड से पहले अपन इस मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अभी हम आपको बताते हैं कि 28 × 42 ये आपका ओल्ड मेथड करेंगे। यहाँ पे हम 8 × 16 का 6 है, हासिल है 2 × 4 और 1 × 5, ठीक है, इंटू 8 × 32 का 2 हासिल, 3 × 4 × 8 × 3 = 11, 6 × 5 × 2 = 7 = 11 ये आंसर आना चाहिए। अब आपका फर्स्ट मेथड क्या बोलता है कि आप पहले नंबर को लिखिए, 2842 नंबर को लिख लिया। सबसे पहले आपको करना है ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 8 × 16 का 6 हासिल आएगा, हासिल में साइड को लिख लीजिए, कैरी आएगा तो कैरी को अलग लिख लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो था ये आपका, सेकंड स्टेप देखिए क्या है, ऐसे गुणा करना है पहले, फिर ऐसे गुणा करना है और दोनों को ऐड करना है, और जो लास्ट में आपके पास कैरी आता है उसको भी ऐड करना है। तो 2 × 4 8 × 32 = 4, 32 × 4 = 36 और 1 = 37 का 7 × 3 आ गया कैरी, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है आपका थर्ड स्टेप, टू डिजिट के अंदर थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप क्या आएगा, 4 × 8 और कैरी कितना था 3, 8 × 3 = 11, ये देखिए ये आंसर आ गया। इससे इजी मेथड आपके कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे इजी मेथड ये है कि आपको 3 डिजिट वहाँ पे सेम मिल जाते हैं तो आपको फाइनली पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ता है, इससे आप क्यों ना पहले ही पूरा आंसर निकाल लें और डायरेक्ट टिक कर दें, ठीक है। तो इसके कोई एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम नया एग्जाम्पल देख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मेथड आपको यही फॉलो करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एग्जाम्पल लिया 42 32, ओके। अब इसको आंसर क्या आएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताइए। 2 × 4 4 × 8 8 × 6 8 × 6 कितना होगा, 14 × 4 हासिल 1 4 × 12 = 13 आंसर रेडी। तो ये 2 डिजिट के क्वेश्चन आप ऐसे फास्ट और इजी मेथड से कर सकते हैं, कैसा भी नंबर हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम चलते हैं 3 डिजिट के अंदर, ये था 2 डिजिट, अब यहाँ पर हम लेके आते हैं 3 डिजिट का क्वेश्चन। 2 डिजिट के और भी एग्जांपल हम लास्ट में देखेंगे, तो पहले 3 डिजिट का आप समझ लेते हैं कि 3 डिजिट में क्या आंसर आएगा। 2 डिजिट का मेथड लिख लीजिए आप कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, उसके बाद अब आते हैं 3 डिजिट के अंदर। 3 डिजिट का नंबर लेते हैं 2 3 2 4 2 1, अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप यूनिट डिजिट देखते हैं 2 आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं तो रॉन्ग है, नहीं पूरा मेथड कीजिए जैसे 2 डिजिट का मेथड कहता है वैसे के वैसे ये 3 डिजिट का भी मेथड है। तो 2 डिजिट में सबसे पहले क्या आएंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 डिजिट में, सबसे ऊपर 2, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 3 + 4 3 + 4 7, ओके। अब क्या करना है, अब ऐसे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 2 और 8 10 10 और 6, ये आएगा मल्टीप्लाई इससे, ये मल्टीप्लाई इससे, 10 10 और 6 16 का 6 1 कैरी, फिर लास्ट वाले 2 डिजिट को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ओके 1 कैरी आया हुआ है अभी आपके पास, 4 12 और 4 16 और 1 16 और 1 17 का 7 कैरी आ गया 1, 4 × 8 और 1 9, ये आपका आंसर है। लास्ट में ये वाला स्टेप अप्लाई करना है, मतलब फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड 5 स्टेप में आपको एक फटाक से आंसर मिल जाएगा, आपको बस इजीली आपको याद हो सकता है। अब इसका आप बोलेंगे कि करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसको करेक्ट चेक करने के लिए हम इसी को वापस
चेक करते हैं कि क्या आंसर आएगा। 2421 क्या आएगा, 2 3 2 फर्स्ट तो यही नंबर आएगा, सेकेंड नंबर क्या आएगा, 4 3 2 6 और 2 2 4 डबल क्रॉस, 4 2 8 4 3 12 असल 1 4 2 8 और 1 9 2 4 3 7 8 8 6 14 15 16 का 6 असल 4 3 7 9 देख लीजिए आंसर सेम है, ये ज़्यादा इजी हुआ इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम अभी देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मेथड याद रख लीजिए नहीं तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आएगा 2 4 1 3 6 2 ले लीजिए, क्या आंसर आएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके कमेंट करके बताइए हमको। 2 4 2 8 और 6 14 का 4 ऐसे ले 4 और 3 7 और 1 8 8 और 24 कितना होगा, 32 का 2 3 हाँ यदि 6 2 12 और 12 24 25 26 27 का 7 हासिल 2 3 2 6 और 6 7 8 ये आपके पास आंसर आ गया। इससे इजी कोई मेथड नहीं हो सकता, तो ये आप 2 डिजिट और 3 डिजिट का आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट अच्छा वीडियो लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे अलग नया टॉपिक बैंक और एसएससी के, और इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल पे फिजिक्स के वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि क्लास 9 से लगा के बीएससी तक सारा सिलेबस कवर होगा। आज फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ है 9 का, तो आशा करते हैं कि आपको वो पसंद आया होगा, आपने जरूर देखा होगा, दोस्तों के साथ शेयर किया होगा। थैंक यू।